हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिरुद्ध। स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है साइंस फॉर यू। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थ 2.0। जी हाँ, सेकेंड अर्थ। हम आज अर्थ पे रह रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अर्थ कितनी पुरानी है? बहुतों को तो पता ही होगा, 450 करोड़ साल, या फिर कहें तो 4.5 बिलियन ईयर्स। अर्थ, अगर हम इमेजिन करें कि ये 4.5 बिलियन ईयर्स का जो अर्थ का लाइफ है उसे हम इमेजिन करें कि वन डे, तो ह्यूमंस की हिस्ट्री बस 14 मिनट्स की है। लेकिन इन 14 मिनट्स में ह्यूमंस ने अर्थ को क्या से क्या बना दिया है? अगर हम ह्यूमंस हम ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते रहे नेचुरल रिसोर्सेज को, तो अर्थ अभी से कुछ सालों के बाद सूटेबल नहीं रहेगी लिविंग थिंग्स के लिए, या फिर ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए। साइंटिस्ट को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है, इसीलिए साइंटिस्ट ने बहुत पहले से ही डिस्कवर करना चालू कर दिया है ऐसे प्लैनेट्स जो सूटेबल हैं सर्वाइवल के लिए। लेकिन आपको इस टॉपिक पे क्या लगता है, आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि अर्थ जैसा प्लैनेट एग्जिस्ट करता होगा इस पूरे यूनिवर्स में? मुझे तो लगता है कि हाँ, क्योंकि हम पूरे यूनिवर्स में अकेले तो नहीं हो सकते ना फ्रेंड्स, राइट? अभी नासा का जो केपलर टेलीस्कोप है, ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन लेंस के साथ इसको भेजा गया है, और इसका प्राइमरी फंक्शन है कि अर्थ जैसे प्लैनेट्स को डिस्कवर करना। और इस केपलर टेलीस्कोप ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से किया है, क्योंकि 23 जुलाई 2015 को केपलर ने एक ऐसे सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया जिस सोलर सिस्टम के सन का नाम था केपलर 452। और इस स्टार को तीन प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे थे, केपलर 452 ए, केपलर 452 बी और केपलर 452 सी। इन तीन प्लैनेट्स में से केपलर 452 बी जो प्लैनेट था वो उस स्टार के हैबिटेबल जोन में आता था। अभी फ्रेंड्स, हैबिटेबल जोन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये वो जोन होता है स्टार के बगल में जहाँ पर कोई भी प्लैनेट हो तो उस प्लैनेट पर लाइफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसे गोल्डी लॉक जोन या फिर हैबिटेबल जोन कहते हैं। तो ये जो प्लैनेट है केपलर 452 बी, ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। और ये जो स्टार है वो बिल्कुल ही हमारे सोलर सिस्टम के स्टार की तरह ही एक स्टार है, जी टाइप स्टार बोलते हैं जिसे। हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है वो एक जी टाइप स्टार है, और केपलर 452 बी स्टार भी एक जी टाइप स्टार। ये जो नया प्लैनेट है जो डिस्कवर किया गया है केपलर टेलीस्कोप के द्वारा, इस प्लैनेट का मास 5 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से, यानी कि ये बहुत ज़्यादा 5 गुना बड़ा है लगभग अर्थ के साइज़ के हिसाब से। इसीलिए यहाँ की ग्रेविटी भी अर्थ के 2x है, पर इसका जो ऑर्बिट पीरियड है वो 385 डेज है, वो जो बहुत ही करीब है अर्थ के ऑर्बिट पीरियड के पास। मतलब यहाँ पर साल 385 डेज का ही होगा, और इसका साइज़ जो है वो 0.5 टाइम्स ग्रेटर देन अर्थ है, इसीलिए ग्रेविटी भी 2x है। अभी तक इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। और ये प्लैनेट बिल्कुल अर्थ की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है, इसीलिए यहाँ पर हमें कॉन्टिनेंट्स भी मिल सकते हैं। और रिसर्च से ये पाया गया है कि इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डेंस है, मतलब लगभग लगभग अर्थ की तरह ही, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है कि वो उस एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस हैं, क्योंकि ये प्लैनेट हमारी फर्दर रीच से बहुत ज़्यादा दूर है। ये लगभग लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर है, और फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो लाइट के स्पीड के आसपास ट्रैवल कर सके। इसीलिए हमें इस ग्रह पर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि हमारी लिमिट के बाहर है। और अगर हम हमारे सबसे फास्ट, अभी तक के जो भी हमारे पास सबसे फास्ट स्पेसशिप्स या फिर कहीं सैटेलाइट्स है, अगर उनके द्वारा हम वहाँ जाने की कोशिश करें, तो मैं वर्ड्स में आपको बता नहीं सकता कि वहाँ पहुँचने में कितने साल लगेंगे। आपके स्क्रीन पर भी जो इमेज फ्लैश हो रही है उसके द्वारा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ हमें पहुँचने में कितने साल लगेंगे, वो भी हमारे सबसे फास्टेस्ट स्पेसशिप से अभी तक के। अगर हम फ्यूचर में वार्प ड्राइव हो गया या हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजीज में कामयाब हो पाए, तो हम शायद वहाँ पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। है टेस्ट, उस टेस्ट मिशन के द्वारा हम हमारे बहुत करीब जो हमारे रीच में है उन प्लैनेट्स पे लाइफ के एग्जिस्टेंस की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।